तो हमने फॉर्मुलेशन में पढ़ा है कि इन्हें दो अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, एक लाइन में कोई चीजें रखी जाती है या अरेंज की जाती है उसको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अब हम एक सर्कल के अलाउंड, साइक्लिक सर्कल के अलाउंड इन चीजों को एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लाइन से। तो हम कैसे करेंगे, साइक्लिक कॉम्बिनेशन होता है, सर्कल में कोई चीजें सेट की जाती है, ठीक है। और ये भी दो टाइप्स की होती है चीजें आपके पास, सिमिलर एंड नॉट सिमिलर। जब आपके पास जैसे मान लो सर्कल में पर्सन की बात आती है, पर्सन जो इंडिविजुअली डिफरेंट है सारे के सारे, अगर हम पर्सन को साइक्लिक एक राउंड का सर्कल में बिठाएं तो वो मान लो एन पर्सन हैं या कंडीशन मेंशन के लिए कोई
स्टिल क्या करोगे व्हेन कंडीशन एरिया में व्हेन नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। Thank you.
24, 120, 7 गुना 720, ठीक है, तो 0, 8, 5, 0, 4, 7, 5, 0, 4, 7, ये है ना टोटल नंबर ऑफ डेज टू सिट राउंड टेबल। तो आठ लड़कियां राउंड टेबल में कितनी तरह से बैठ सकती हैं? 5, 0, 4, 0 पे से बैठ सकती हैं। अब कंडीशन है कि अगर आठ लड़कियों में के कोई दो लड़कियां, जैसे मान लो कि आठ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक आठ लड़कियां वहां पर टेबल है बैठी हुई है, तो वो कितनी तरह से बैठ सकती है। लेकिन आप एक कंडीशन ये भी है कि ये दो लड़कियां, ये दो जो भी है लड़कियां प्रवीण और विपुल, ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं प्रवीण मान लेता हूँ, इसको मैं विपुल मान लेता हूँ, और इन दोनों लड़कियों को मैं वन गर्ल कहता हूँ। क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं वन गर्ल कहता हूँ। तो लिखूंगा क्रिकेट प्रवीण एंड विपुल एज वन गर्ल। प्रवीण और विपुल को हमने एक लड़की माना, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम दोनों को एक माना, तो टोटल गर्ल्स कितनी होगी, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स 7, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स 7, एंड दे कैन बी अरेंज्ड इन, दे कैन सिट 7-1, कितना हो गया, इट इज 6-12 इज, दैट इज कितना हो, 7-15। मतलब अगर विपुल और प्रवीण को हमने एक लड़की मान लिया तो आपस में कितनी तरह से बैठ सकती हैं, 720 इज। लेकिन विपुल और प्रवीण आपस में पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, यहां पे प्रवीण हो सकती है, यहां पे विपुल हो सकती है। तो लिखोगे विपुल एंड प्रवीण एंड विपुल, प्रवीण एंड विपुल इटसेल्फ कैन बी अरेंज्ड इन, इटसेल्फ कैन बी अरेंज्ड इन टू वे। विपुल एंड प्रवीण आपस में दो तरीके से अरेंज हो सकते, ठीक है। तो हमने क्या निकाला कि जब विपुल और प्रवीण टुगेदर एक साथ हैं तो कितने वे से और आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो टू वे से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज वेन प्रवीण एंड विपुल सिट टूगेदर कितना हो गया, 720 × 2 कितना हो गया, 44। देखिए क्वेश्चन ये नहीं पूछो, आप क्वेश्चन क्या पूछो, आप प्रवीण एंड विपुल आर नॉट टू सिट टूगेदर, तो हमें उसको सिट टूगेदर पहले निकालना पड़ा, तो हमें अब नॉट सिट टूगेदर आ गया। अब लिखोगे आप इसके आगे सिट टुगेदर निकाल लिया, देखो क्वेश्चन यही तक पूछा होता है कि प्रवीण एंड विपुल सिट टुगेदर होंगे तो कितने वेज होंगे, तो वो होंगे 1440 वेज। लेकिन नॉट सिट टुगेदर पूछा हुआ है तो लिखोगे नंबर ऑफ वेज इन विच प्रवीण एंड विपुल नॉट sit together, that is total कितने वेज थे, 5040, और उसमें से टुगेदर बैठ सकते हैं वो कितने वेज हैं, 1440। अब इसमें से टोटल में से टुगेदर वाले माइनस कर दो तो बाकी क्या बचे, नॉट टुगेदर कितना है, 0063, that is 3600 वेज हो गया पूरा, जिसमें विपुल और प्रवीण टुगेदर नहीं बैठेंगे, और टुगेदर कितने वेज में बैठेंगे, दैट इज 1440। तो
इस एक का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो साइक्लिक में आप इस तरह से डील करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखिए, है फाइव गर्ल्स एंड फाइव बॉयज आर टू बी सीटेड ऑन ए बेंच विद द बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेटली। एक क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गर्ल्स सीटिंग, और दूसरा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू बी सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल सो दैट द बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। कंडीशन सेम ही है दोनों में, लेकिन एक बार उसको बेंच पे बिठाया जाएगा और एक बार सर्कुलर टेबल, दोनों के लिए क्वेश्चन करना। इस स्टेज पे क्या करोगे आप, नंबर ऑफ बॉयज दैट इज फाइव, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज आल्सो फाइव। अब बेंच है, बेंच होता है आपके पास स्ट्रेट, तो हमने किसी बेंच पे किसी बेंच जिसमें हमने अल्टरनेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स होता है, तो मान लो सबसे पहले स्टार्टिंग विद बॉय क्रॉस लगाया बॉयज, ये दूसरा बॉय, ये तीसरा बॉय, ये चौथा बॉय और ये पांचवा। अगर हम बॉयज को बेंच पे बिठाएं स्टार्टिंग विद बॉयज करें तो कितनी एक तरह से आप बॉयज को बिठा सकते हैं, देखोगे फाइव टेकिंग फर्स्ट एज बॉय, टेकिंग फर्स्ट एज वॉय, टेकिंग फर्स्ट एज वॉय, पहला हम वॉय लें, देन फाइव वॉय कैन सिट इन फाइव फैक्टोरियल रूपीज, बता सकते हैं फाइव फैक्टोरियल रूपीज। अब कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होती, अल्टरनेटिव तभी हो सकती है अगर गर्ल्स एक यहां पे हो, दो तीन चार और पांच ऐसे बैठे, तो पांच लड़कियां अगर बैठने की इस तरह से तो आपके पास पांच जगह ही पांच लड़कियों को बैठने की, तो वो अल्टरनेटिव नहीं बैठेंगे। फाइव गर्ल्स कैन सिट इन ऑल्सो फाइव फैक्टोरियल, ये तो कंडीशन होगी या टेकिंग फर्स्ट एज पर, जब हमने पहली पोजिशन इसको ऑक्यूपाई की है वाई ने की, लेकिन यही चीज उल्टी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है कि जो फर्स्ट पोजिशन है वो गर्ल ने ऑक्यूपाई की, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, जब टेकिंग फर्स्ट एज गर्ल जो फर्स्ट पोजिशन गर्ल ऑक्यूपाई करती है, तो ये देखते हैं हम taking first as girl, अब girl को हम first position पे बिठाते हैं, then five girls can sit in similar five people base से बैठ सकते हैं। अब alternately ये तभी बैठ सकते हैं जब boys काम भी हो, इनकी position इसके बीच में हो, one two three four और five ऐसे, तो बॉयज के पास बैठने की कितनी जगह है, दैट इज ऑल्सो फाइव, तो फाइव बॉयज ऑल्सो कैन सिट इन फाइव फैक्टोरियल रूम्स। तो अलग अलग से आपके दो केसेस हैं, पहले गर्ल्स पहले बॉय को हमने फर्स्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करवाई तो हम किस तरह से बैठ सकते हैं, और फिर गर्ल्स को फर्स्ट पोजिशन ऑक्यूपाई फिर किस तरह से, तो टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग अल्टरनेट। तो कितने वेज होंगे, पहला है फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल प्लस दूसरे केस में फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव, कितना आ गया प्लस 120 प्लस 120 this plus this 20, ये आ गया प्लस कितना गया 28,800 बेस से हम इन पांच बॉयज और पांच गर्ल्स को बेंच पे बिठा सकते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में पहले हमने बॉयज फर्स्ट पोजिशन पे लिया तब देखा, फिर गर्ल्स को फर्स्ट पोजिशन
गर्ल्स में इक्वल है, नंबर ऑफ बॉयज 5, नंबर ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। अब यहाँ पे आप पहले राउंड द सर्कुलर टेबल पे कोई भी बिठा दो, बॉयज को बिठा दो या गर्ल्स को बिठा दो। अगर हम बॉयज को बिठा दें, बॉयज 5 बॉयज कैन सिट ऑन सर्कुलर टेबल इस टाइप में जब क्वेश्चन